वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का व्लॉग उन लोगों के लिए है जो कि न्यूयॉर्क घूमना आना चाहते हैं एंड देखना चाहते हैं कि यहाँ पे 2 से 3 दिन में आप क्या क्या घूम सकते हैं, क्या आपके एक्सपेंसेस होंगे, कहाँ पे आपको होटल लेना चाहिए, कौन कौन सी जगह घूमनी चाहिए, डे 1, डे 2, डे 3 आइटनरी, वो सब के बारे में आज हम आपको बताएं। तो प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिए क्योंकि आप बहुत ही अच्छी डिटेल्स को मिस कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एयर टिकट्स की। तो एयर टिकट्स डिपेंड करता है आप किस लोकेशन से आ रहे हैं और आप किस सीजन में आ रहे हैं। तो हम लोग जैसे आए थे अक्टूबर के सीजन में, विच आई फील इज द बेस्ट सीजन टू विजिट न्यूयॉर्क, क्योंकि यहाँ इस मौसम में ना तो ज्यादा ठंडा होता है, ना ही ज्यादा गर्म होता है, ना बर्फ पड़ती है, तो दिस इज द बेस्ट सीजन। तो इस मौसम में आप जरूर आइएगा। और बाकी बात करते हैं एयर टिकट्स की। तो एयर टिकट डिपेंड करता है, हमें जो एयर टिकट पड़ा वो पड़ा $300 पर पर्सन। तो आप देख सकते हैं कि आपकी कौन सी लोकेशन है, किधर से आप आ रहे हैं, उस हिसाब से आपको एयर टिकट्स पड़ेंगे। दिसंबर जनवरी के मौसम में आ रहे हैं तो ये ऑफ सीजन होता है यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है और बर्फ पड़ती है। तो उस मौसम में आपके एयर टिकट्स चीप होते हैं, जो कि होते हैं अराउंड $100 to $125 पर पर्सन। बट दिसंबर और जनवरी में आने का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उस मौसम में आप उतने अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। अक्टूबर के महीने में आप देख रहे होंगे मैंने जैकेट पहनी है, बट स्टिल इट इज फाइन, आप बिना जैकेट के भी गुजारा यहाँ कर सकते हो, यू जस्ट नीड अ स्वेट शर्ट। बट स्टिल दिसंबर जनवरी का मौसम बहुत ठंडा होता है। बट अगर आप पॉजिटिव साइड में जाए तो वहाँ पे एयर टिकट्स चीप होते हैं। अब सेकंड चीज़ बात करते हैं होटल की। तो मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जब भी न्यूयॉर्क घूमने आते हैं तो वो न्यू जर्सी की साइड अपना होटल बुक करते हैं, बिकॉज दे थिंक कि वहाँ पे होटल्स काफ़ी चीपर होते हैं। वहाँ पे चीपर होते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप जब भी यहाँ आएँ तो आप या तो लोअर मैनहट्टन या फिर ब्रुकलिन ब्रिज की साइड अपने होटल को बुक करें, बिकॉज वहाँ पे इवन इफ वहाँ पे थोड़ा कॉस्टली होगा, बट अगर आप न्यू जर्सी में होटल बुक करते तो एक तो टू एंड फ्रो जाने में आपका सबवे के चार्जेस लगेंगे एंड यू नीड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एनर्जी, वहाँ से आने जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यू कैन सेव द टाइम एंड स्टे नियर ब्रुकलिन ब्रिज और लोअर मैनहट्टन वहाँ से, बट थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट वो बैलेंस आउट ही हो जाता है चाहे आप न्यू जर्सी में रहें। तो इट्स बेटर कि आप टाइम सेव। तो हम लोगों ने जो अपना होटल बुक किया था वो था ब्रुकलिन ब्रिज के पास, और क्योंकि हमारे पास बेबी था तो हमने एक थोड़ा सा सही ठीक ठाक होटल बुक किया था, जो हमें कॉस्ट किया था $1100 फॉर 3 नाइट्स। तो इट डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जा रहे हैं। अगर आप फ्रेंड्स हैं तो आप एक नॉर्मल सा होटल बुक कर सकते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क एक बहुत कॉस्टली सिटी है एंड आप क्योंकि दिन भर घूमेंगे रात को ही सोने आएंगे, तो इट्स बेटर आप एक चीप होटल बुक कर सकते हैं विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली $100 to $150 पर नाइट एंड आप बाकी टाइम न्यूयॉर्क में घूम सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ बेबी था तो हमें अच्छा होटल बुक करना पड़ा। तो न्यूयॉर्क में खाने के बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं। अगर आप इंडियन हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, चीप आपको कार्ट्स मिलेंगे जहाँ पे आप इजीली अच्छा स्ट्रीट फूड खा सकते हैं। और अगर आप कॉस्टली चीज़ में जाएँ तो सोना रेस्टोरेंट है, जो कि प्रियंका चोपड़ा का यहाँ बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, वहाँ जाके खा सकते हैं। एंड यू शुड ऑलवेज कैरी सम स्नैक्स, क्योंकि आप इतना चलेंगे यहाँ पे कि आपको भूख तो ज़रूर लगेगी। एंड इफ़ यू आर टाइट ऑन योर बजट तो आप एक काम कर सकते हैं, आपका स्नैक्स और जो आपका ब्रेकफास्ट है ये आप वॉलमार्ट से ब्रेड या फिर छोटा मोटा स्नैक्स ले सकते हैं, जिससे आपका पेट भर जाए। एंड फॉर द बिग मील यू कैन गो फॉर पिज्ज़ा और फॉर गुड रेस्टोरेंट। एंड जब भी आप न्यूयॉर्क घूमने आए, मेक श्योर कि आप इनफ कैश अपने साथ कैरी करें। इसके दो बेनिफिट्स है। पहला बेनिफिट, क्योंकि यहाँ पे हर कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ये सब एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आप वहाँ पे बच जाएंगे। एंड सेकंड चीज़, अगर आप कैश में यहाँ पे करें तो ये ट्रिक है कि यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। तो अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि न्यूयॉर्क में सबसे बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है सबवे, बिकॉज इट्स क्वाइट चीप। बट इट डिपेंड्स कि आपके साथ कितने ज़्यादा मेंबर्स हैं। हमारे साथ एक बेबी था एंड वी वर 4 मेंबर्स। तो जब हम एयरपोर्ट से निकले हमने टैक्सी की एंड इट वॉज लाइक फॉर 6 माइल्स इट टुक $40 फॉर अस। तो आप डिपेंड करता है, आप कैलकुलेशन कीजिए, बट ऑब्वियसली सबवे इज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड इट्स द चीपेस्ट ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं उसको, क्योंकि सबवे में अप्रॉक्सीमेटली $2.99 का पर पर्सन जो होता है वो चार्ज पड़ता है। तो आप सबवे को देख सकते हैं एंड इट इज़ द फास्टेस्ट ऑप्शन, बिकॉज आई होप यू गाइज नो, क्योंकि न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है एंड बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है आपको घूमने के लिए। तो टू सेव टाइम एंड ट्रैफिक से बचने के लिए यू कैन गो फॉर सबवे, बिकॉज वो चीपर ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे पूरे वीक है तो यहाँ पे 7 डेज का पास पड़ता है सबवे का, जो कि होता है $30 पर पर्सन एंड इट हैज़ अनलिमिटेड राइड्स। तो आप वो ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो मील्स पड़ती है वो अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट बजट पे तो वो $10 to $15 पर पर्सन पड़ेगी, बट अगर आप और अच्छे से लग्जरियसली रहना चाहते हैं तो और इट डिपेंड्स, मतलब आप किस तरीके से खाना चाहते हैं, कैसे खाना चाहते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट। बट इफ़ यू आर इन ऑन टाइट बजट तो $10 to $15 पर पर्सन में मील चला सकते हैं। तो अगर आप बैचलर हैं या आपके साथ कोई फैमिली नहीं है, बच्चे नहीं है, तो आप 2 दिन में न्यूयॉर्क का ट्रिप कवर कर सकते हैं। बट इफ़ यू हैव फैमिली, मतलब ओल्ड एज पीपल हैं, आपके साथ बच्चे हैं, तो आई वुड रिकमेंड आप 3 डेज का ट्रिप पक्का से प्लान करें न्यूयॉर्क का। मैं अब आपको अपना आइटिनरी बताती हूँ कि जो हमने फॉलो किया था न्यूयॉर्क को घूमने के लिए।
तो फर्स्ट डे हम लोग पहुँचे थे करीब 8-9 बजे, हमने 8 बजे करीब हमने चेक इन किया था अपने होटल में, और रात को हमने पियर 1 और जो ब्रुकलिन ब्रिज है ये दो चीज़ें कवर करी थी। रात का व्यू भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आपकी अच्छी फोटोग्राफ्स आ सकती है और बहुत अच्छा है घूमने के लिए, स्पेशली ब्रुकलिन ब्रिज। ब्रुकलिन ब्रिज आप जब भी घूमने को आएँ तो आप मेक श्योर करें कि ब्रुकलिन ब्रिज से मैनहट्टन की तरफ फेस करें, क्योंकि वो बेस्ट है, आपको वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आएगा। और एक और बहुत अच्छी बात है कि आप जब भी होटल बुक करें मेक श्योर करें कि आप लोअर मैनहट्टन या ब्रुकलिन ब्रिज की साइड करें, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अच्छे स्पॉट्स हैं और आप ज़्यादा कवर कर पाएंगे। सो डे 2 का हमारा जो आइटनरी था वो हमने स्टार्ट किया था स्टेट आइलैंड फेरी से, हम वहाँ कैब से पहुँचे थे, और स्टेट आइलैंड फेरी में आप फेरी ले सकते हैं विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और बी अवेयर क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे स्कैमर्स बाहर होते हैं जो कि कहेंगे कि आप टिकट ले लीजिए, उनसे आपको घुमाएंगे, बट वहाँ पे आपको उन सबके पछड़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब फेरी जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो वो फेरी आप पिक कीजिए, जब फेरी में आप जाएंगे तो वो आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी का प्रॉपर बहुत ही सुंदर व्यू मिलेगा, तो आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो वो जो फेरी होती है वो टू एंड फ्रो होती है, तो वो फेरी में आप जाइए, स्टैचू लिबर्टी देखिए एंड वापस आ जाइए। इसी के बगल में है बैटरी पार्क, तो बैटरी पार्क पे भी बहुत सुंदर नज़ारा है, बहुत अच्छा, आप अगर फैमिली के साथ में वहाँ पे गेम्स है, बच्चों के लिए पार्क है, बहुत सुंदर, वहां से भी आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी का फ्री ऑफ कॉस्ट नजारा देखने को मिलेगा। तो बैटरी जो गार्डन है वहां से आप जा सकते हैं सीधा वॉल स्ट्रीट में, वो भी वॉकेबल डिस्टेंस में है, और वहाँ पे आपको काफ़ी सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस मिलेंगे, जैसे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो कि यहाँ का फेमस है, चार्जिंग बुल जो कि यहाँ का फेमस है, वहाँ पे फोटोग्राफी बहुत फेमस है। एंड उसके बाद आप जा सकते हैं फेडरल हॉल में, ये वही फेडरल हॉल है जहाँ पे जब यूनाइटेड स्टेट्स इंडिपेंडेंस मिली थी इसको, तो यहाँ पे पहली शपथ ली थी यहाँ के पहले प्रेसिडेंट ने जो कि थे जॉर्ज वॉशिंगटन, और ये पुराना कैपिटल है न्यूयॉर्क यूएस का, इसके बाद ही वॉशिंगटन को कैपिटल बनाया गया था। तो इसके बाद आप जा सकते हैं ओक्यूलस में, जो कि बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर, एक मॉल एक है, इसके अंदर काफ़ी सारे फूड स्टोर्स हैं, काफ़ी सारे शॉपिंग के सेंटर्स हैं, और बहुत डेफिनेटली आपको जाना चाहिए अगर आप न्यूयॉर्क आएँ तो। ओक्यूलस के बाद वॉकेबल डिस्टेंस में आपका 9/11 मेमोरियल, और वहीं पे आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 1 का बिल्डिंग और वहाँ का म्यूजियम, तो वो जगह भी आपको डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। स्पेशली मुझे 9/11 का मेमोरियल अच्छा लगा जाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत मुझे पीसफुल लगा एंड आई वॉज सैड टू सी कि वहाँ पे कैसे क्या क्या हो गया, तो आपको वो जगह जाना चाहिए, और ये सब वॉकेबल डिस्टेंस में। अगर आप बैचलर हैं, आपके साथ बड़े लोग हैं, कोई बच्चा नहीं है, तो वहाँ यहाँ पे बाइक्स यानी कि साइकिल्स भी रेंट कर सकते हैं, जो कि आप वहाँ से लीजिए और यहाँ कहीं से भी पिक करिए और कहीं पर भी ड्रॉप कीजिए, जिससे आपको चलना भी कम पड़ेगा और आप टाइम भी सेव कर पाएंगे और ज़्यादा कवरेज। चार्जिंग बुल के पास आपको काफ़ी इंडियन एशियन क्यूज़ीन मिलेगी, जो कि सच में टेस्टी थी काफ़ी, वो एक फूड स्टॉल टाइप के थे जो कि चार्ज करेंगे $8 to $10 पर पर्सन और काफ़ी सही था, तो वो ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते। ये जो फूड स्टॉल्स होते हैं वो केवल कैश एक्सेप्ट करते हैं, दे डू नॉट एक्सेप्ट कार्ड्स, तो जब भी आप न्यूयॉर्क आएँ प्लीज़ अपने साथ कैश जरूर कैरी। डे 3 जब हमने स्टार्ट किया अपना, तो डे 3 में हम गए सबवे से सीधा टाइम्स स्क्वायर। टाइम्स स्क्वायर में दिन में बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो बहुत ही हैपनिंग प्लेस है, तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम टाइम्स स्क्वायर दिन में भी जाएंगे और रात में भी जाएंगे। तो टाइम्स स्क्वायर में हमें बहुत मज़ा आया, वहाँ पे इवेंट्स होते रहते हैं, वहाँ पे काफ़ी एडवर्टीजमेंट, तो वो जगह आप ज़रूर जाएं। एंड टाइम्स स्क्वायर की बिल्डिंग के आसपास ही था मैडम टुसैड, वहाँ का टिकट है $55 पर पर्सन, तो हमने वो विजिट किया। मुझे पर्सनली मैडम टुसैड पसंद नहीं आया, बिकॉज थोड़ा बोरिंग था एंड बहुत लार्ज था, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, वो 2 से 3 घंटा लेता है पूरा अगर आप फोटोज़ वीडियोज़ लेना चाहें, और थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है आफ्टर हाफ एन आवर, तो आप मैडम टुसैड को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम अगर कभी न्यूयॉर्क आऊँगी तो आई वुड नेवर रिकमेंड एनीवन कि वो मैडम टुसैड। तो मैडम टुसैड से आप जा सकते हैं रॉकफेलर सेंटर, रॉकफेलर सेंटर भी वॉकेबल डिस्टेंस में, और ये सब विद इन 1 माइल रेडियस में है, वॉकेबल डिस्टेंस में, आप चाहें तो बाइक भी ले सकते हैं। तो वहाँ से हम गए रॉकफेलर सेंटर, वहाँ पे स्केटिंग का ऑप्शन था, वहाँ पे काफ़ी फन एक्टिविटीज़ थी, खाने का, शॉपिंग का, बहुत सारे ऑप्शन थे, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो उसके बाद आप जा सकते हैं सेंट पेट्रिक कैथेड्रल चर्च में, जो कि बहुत पुराना चर्च है, वहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एंड आई वुड रिकमेंड आप इवनिंग टाइम पे जाएं ताकि आप वहाँ की प्रेयर्स में शामिल हो पाए, तो वो बहुत अच्छा है। आई थिंक इट वाज बिल्ट 1800 समथिंग में ये चर्च बिल्ड हुआ। तो उसके बाद आप जा सकते हैं 5th Avenue में स्ट्रीट में, जो कि यहाँ की काफ़ी फेमस स्ट्रीट है, क्योंकि यहाँ पे टॉलेस्ट बिल्डिंग्स है, काफ़ी फेमस बिल्डिंग्स है, जैसे कि ट्रम्प टावर एंड लॉट मैनी, तो यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट विजिट करते हैं। और इसी के पास में है 7th Avenue स्ट्रीट, जहाँ पे है आपका एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जहाँ पे एक बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेटरी है 86th फ्लोर पे, जहाँ से आप पूरे न्यूयॉर्क का नज़ारा देख सकते हैं। बट यहाँ के लिए एक बहुत ज़रूरी खास बात है कि जब भी आप यहाँ आए मेक श्योर कीजिए कि यहाँ पे टिकट्स अपने पहले से लेके रखें, रिजर्वेशन जब आप ले लेंगे तो यहाँ पे आप काफ़ी सारा टाइम जो है सेव कर पाएंगे। एंड आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे दिन का व्यू ज़्यादा अच्छा होता है इंस्टेड ऑफ रात का व्यू। आप एक काम कर सकते हैं, आप 6 बजे के शाम का व्यू रिजर्वेशन रख सकते हैं, ताकि आपको दिन और रात दोनों का अच्छे से नज़ारा मिल सके।
तो न्यूयॉर्क आपको अगर घूमना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि या तो आप बाय फुट या फिर बाय बाइक जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो उबर्स होती है वो काफ़ी कॉस्टली होती है। एंड सेकंड चीज़, अगर आप यहाँ पे कार्स रेंट करते हैं तो उसकी पार्किंग भी पर हाफ एन आवर आई थिंक $35 हाफ एन आवर का चार्ज करते हैं विद टैक्सेस। तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होता है कि आप तो वॉक करें या फिर आप बाइक रेंट करें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस है वंस आप सबवे से रीच कर जाए तो विद इन 1 माइल के रेडियस में सब कवर हो जाता है। तो लास्ट में हमने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग कवर करने के बाद हम वापस गए टाइम्स स्क्वायर में, जहाँ पे हमने रात का नज़ारा देखा। एंड रात का नज़ारा मुझे पर्सनली टाइम्स स्क्वायर का बेस्ट लगा, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी एडवर्टाइजमेंट है, लाइट्स एंड वो सब चीज़ें रात को ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड कैची लगती है। तो आप उसके बाद टाइम्स स्क्वायर जाएँ। एंड टाइम्स स्क्वायर के बाद हमने अपना ये पूरा डे 3 का ट्रिप जो है एंड किया एंड हम वापस गए होटल में। तो डे 4 जो था वो हमारे ट्रिप का लास्ट डे था, क्योंकि हमारी थी शाम की फ्लाइट। तो हमने कवर किया यहाँ पे चेकआउट करके होटल से सेंट्रल पार्क। सेंट्रल पार्क जो है वो काफ़ी ह्यूज पार्क है, आई थिंक ये 841 acres में बना हुआ है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप बैचलर हैं तो यहाँ पे आप बाइक्स रेंट करके पूरा सेंट्रल पार्क घूम सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज जैसे कि कल हो ना हो और कभी अलविदा ना कहना न्यूयॉर्क, इतनी अच्छी मूवीज और इवन हॉलीवुड सीरीज फ्रेंड्स और काफ़ी हॉलीवुड मूवीज की शूटिंग हुई है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आप फैमिली के साथ या ओल्ड एज पीपल या फिर छोटे बच्चों के साथ है तो यहाँ पे घोड़ा गाड़ी भी रेंट पे मिलती है और आप यहाँ पे रिक्शा भी ले सकते हैं, जिससे आप पूरा सेंट्रल पार्क घूम सकते हैं। बट मेक श्योर आप यहाँ पे कैश लेके आए, क्योंकि वो आपको थोड़ा चीपर पड़ेगा। आई होप आपको हमारा ये वीडियो आज का पसंद आया होगा और आपको काफी हेल्पफुल मिला होगा। और आप अगर इन डिटेल हमारे न्यूयॉर्क के बारे में जानना चाहते हैं, ट्रिप के बारे में, तो हमारा नेक्स्ट जो लिस्ट है न्यूयॉर्क ट्रिप का, हमने डे 1 डे 2 डे 3 करके बनाया, वो देखना बिल्कुल ना भूले। और आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आते रहे। ढेर सारा हमें प्यार दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।